गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6, एक्सरसाइज 18.4. इसमें हमें क्या निकालना है? दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. इसमें दो फॉर्मूले याद करने हैं. एरिया निकालना है हमें रिक्टेंगल का, तो एल इंटू बी, लेंथ एंड इंटू ब्रेथ. स्क्वायर का निकालना है, तो जो एक साइड दी गई है उसका स्क्वायर कर दीजिए. तो पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है. अब देखिए, लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 7.5. तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ ये क्या है, रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप बना सकते हो, चाहे रेक्टेंगल यहाँ लिख दीजिए, एल इंटू बी. तो एल कितना है? 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से आप ये वाला एल इंटू बी करके निकालिए. लेंथ दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, एरिया हमें निकालना है ऑफ किसका? स्क्वायर का. स्क्वायर का निकालना है, फर्स्ट नंबर है, तो ये होता है ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो 3.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.96. अब देखिए, इसी तरीके से बाकी आप खुद से करिएगा. आपको इसका स्क्वायर कर देना है, फिर इसका भी स्क्वायर कर देना है, तो जो आएगा वही होगा. अब इसमें देखिए, लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है. इसमें भी ये रेक्टेंगल है, रूम एक रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी करिए. ये लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, तो आप निकाल लीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करके. रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए एल इंटू बी. फिफ्थ नंबर देखिए, ये बताने लायक है. अब देखिए, इसमें हमें दिया गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया दिया गया है, लेंथ दिया गया है, ब्रेथ निकालना है. तो एरिया इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी. तो एरिया हमारा कितना है? 64,528. लेंथ हमें दिया गया है 432, इंटू ब्रेथ हमें निकालना है. तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 64,528 अपान हो जाएगा 432. जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, ब्रेथ हमारा आ जाएगा 149.37 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर होगा. जब इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फील्ड ऑफ स्क्वायर रूम इज इतना. एक साइड दिया गया है तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल देंगे. फिर इससे इसका कॉस्ट निकालना है कि एक मीटर कंस्ट्रक्ट करने में 125 रुपए लगते हैं, 125 रुपीज लगते हैं. तो कितना टोटल लगेगा पैसा? अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, एरिया दिया है, कॉस्ट ऑफ स्क्वायर मीटर दिया गया है. तो वन साइड दिया गया है, ये क्या है? वन साइड, साइड. तो और ये क्या है? एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में ही दिया गया है. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर. तो साइड हमारा क्या है? 3.8. इसका हमें क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है. तो 3.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 3.8 इंटू 3.8 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 14.44 मीटर स्क्वायर. अब देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट निकाल देंगे. कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो जो एक एक मीटर का आ रहा है 125, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14.4 का. तो ये आ जाएगा हमारा 1,805 रुपीज़. ये हमारा कॉस्ट होगा और यही हमारा आंसर भी होगा. देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कई सारे सेक्शंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना होगा. लेंथ अगर डबल कर दिया जाए किसी स्क्वायर का,
और ब्रेड्थ को सेम रखें। अगर लेंथ को सेम रखते हैं, ब्रेड्थ को डबल करते हैं, थ्री पार्ट में ये डिवाइडेड है। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। अगर ये पहले सेक्शन में क्या कह रहा है, देखिए पहले सेक्शन में कह रहा है अगर लेंथ को हम डबल कर दें, लेंथ को डबल कर दें यानी लेंथ हमारा 2L हो जाए और ब्रेड्थ को वही रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू B, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा वो 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सेक्शन में कह रहा है कि अगर हम एरिया क्या होगा जब हम लेंथ को लेंथ ही रखें, ब्रेड्थ को 2 टाइम्स कर दें, तो भी एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस L इंटू B हो जाएगा, यानी ये फिर से 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो जाएगा यानी 2 गुना हो जाएगा। अब ये कह रहा है थर्ड सेक्शन में, ये कह रहा है लेंथ को भी हम क्या कर दें, लेंथ को भी 2 टाइम्स कर दें और ब्रेड्थ को भी क्या कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4, 2 2 4 L इंटू B, यानी तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया लेंथ और ब्रेड्थ 5:3 का रेशियो है। पेरीमीटर अगर दिया गया है तो एरिया निकालना है पार्क का। रेशियो दिया गया है लेंथ का और ब्रेड्थ का, और इसको अगर हम एक्स मान लें तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और पेरीमीटर इसका दिया गया है, देखिए पेरीमीटर क्या दिया गया है, 384 मीटर, ये भी मीटर में होंगे। अब देखिए हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B, पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पेरीमीटर तो हमें पता है। देखिए पेरीमीटर अभी 384 मीटर, तो पेरीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 384। 2 इंटू लेंथ कितना है, 5x, ब्रेड्थ कितना है, 3x, ये कितना हो जाएगा, 384, 2 इंटू 5 3 8x, तो 8 2 16 हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 384 ऊपर हो गया, 8 2 16, और x 16x हो गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू 16 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 24। अब 24 आ गई तो यहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमारा 5x मीटर है, तो 5 इंटू x कितना आया, 24, ये मीटर में आएगा, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 से 120 होता है मीटर। अब ब्रेड्थ भी निकाल लेंगे, यानी 3 इंटू x, ये 3 इंटू x कर्व की वैल्यू है 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 मीटर्स। तो दोनों अगर निकल गया तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया लेंथ कितना है, 120, ब्रेड्थ है 72, ये आंसर हमारा आ गया 8,640 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।